नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं इट न्यूज। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदू धर्म में एल्कोहल और मांसाहार का सेवन करना इन खास दिनों में बुरा माना जाता है, जिसके पीछे का वैज्ञानिक मत कहता है कि नवरात्र साल में दो बार मनाए जाते हैं। इस दौरान मौसम का मिजाज बदल रहा होता है, इसलिए आपके आहार में इन चीजों का सेवन करने से आपकी सेहत खराब हो सकती है। नवरात्रों के 9 दिनों में व्रत रखने से माना जाता है कि व्यक्ति के तन और मन को शक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, ऐसा करने से आध्यात्मिक शुद्धिकरण भी होता है। कहा जाता है कि जो लोग इन खास दिनों में व्रत छोड़कर फलाहार करते हैं, वो आध्यात्मिक रूप से खुद को ईश्वर के करीब महसूस करते हैं। खास बात यह है कि इस समय शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति जल्दी बीमार हो जाता है। लहसुन और प्याज तामसिक भोजन में आते हैं, जो मन और शरीर दोनों को सुस्त बनाते हैं। इनसे बने भोजन को पचने में काफी समय लगता है।